हे गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज, एक बार फिर से एक नई ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग आ गए हैं सोनपुर, यानी कि सोनपुर मेला का शुरुआत होने वाला है इसी ग्राउंड से, और वो है 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है सोनपुर मेला। तो गाइज, इस मेले में क्या क्या लगने वाला है इस बार 2023 में, वो सारी चीज़ों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो गाइज, वीडियोज़ में लगातार बने रहें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए गाइज, देखते हैं इस बार मेले में क्या क्या लगने वाला है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यहाँ से सोनपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। और इस ग्राउंड का नाम है अजूबा डिज्नीलैंड। अच्छा। यहाँ पे अंडर वाटर एक्वेरियम का भी फाउंडेशन चालू है। बिल्कुल। चार धाम यात्रा और उसमें स्क्रीन टावर, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का झूला लगने जा रहा है। और हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस मेला में आइए। ये जो ग्राउंड है, ये सोनपुर स्टेशन से सीधे आने साथ यहाँ पे सामने SBI बैंक पड़ता है। SBI बैंक के ठीक अपोजिट साइड गाय बाजार करके इस ग्राउंड का जगह है, और इसका नाम है अजूबा डिज्नीलैंड। ओके। और बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही खास। और यहाँ सारे जितने भी पब्लिक लोग आएंगे, देखेंगे। ये वैसे अंडर वाटर एक्वेरियम अपना सोनपुर गांधी मैदान में भी लगा था। बिल्कुल। एक एग्जीबिशन के माध्यम से। तो बस यही है, दर्शकों को नया चीज़ देने का हम लोग सोच रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू भैया। हे गाइस, तो ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, इसे हरिहर द्वार कहते हैं, और इसी के अंदर मेला ग्राउंड है। सोनपुर मेला जो है इसी के अंदर लगते हैं। तो गए चलते हैं अंदर मेला ग्राउंड के अंदर इस गेट के होते हुए। तो वीडियोस में लगातार बने रहें और अंत तक एंजॉय करें। तो गाइस, देख सकते हैं ये सामने जो हरिहर नाथ द्वार है, और ये जो हरिहर नाथ द्वार है ये सोनपुर स्टेशन से लगभग 1.7 किलोमीटर है। और यहाँ आने के बाद जैसे ही इस द्वार के अंदर आप घुसिएगा, ये राइट साइड में आपको सोनपुर मंडल पूर्व मध्य रेल मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से जो है ये मेला का ग्राउंड, मतलब मेला ग्राउंड कह सकते हैं, ये मेला ग्राउंड आपका स्टार्ट है। और इसी ग्राउंड में आप जितना अंदर तक जाते जाइएगा, आपको हर एक चीज़ का मेला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस, चलते हैं अब अंदर और देखते हैं अभी क्या तैयारियाँ चल रही है मेले के लिए। तो गाइस, वीडियोज में लगातार बने रहें। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं, ये मेला प्रदर्शनी स्थल इधर दिखा रहा है, और इसी ग्राउंड में ये जो भी प्रदर्शनी वगैरह है, बहुत सारी ये चीज़ें सारी आपको देखने को मिलेगी। और ये गेट देखिए, हरिहर नाथ एंट्रेंस द्वार के बाद ये देखिए ये गेट है। और बस भगवान विष्णु का आपको इसमें देखिए फ़ोटो दिख जाएगा। इसी गेट से अंदर जाने के बाद जो है ये आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए काम चल रहा है अभी से, ये सारी ये देखिए लगे हुए हैं मजदूर लोग, और मिट्टी को बराबर कर रहे हैं इसी ग्राउंड में। और भी अंदर अभी चलेंगे, इसी ग्राउंड में देखने को मिलेगा सारा मेला आपको।
है ना, और जमीन का अलॉटमेंट तो हो ही रहा है धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे ये आपदा प्रबंधन का ये बनाया बन रहा है, उसका अच्छा। जमीन अभी मिला नहीं है। अच्छा, जमीन नहीं मिला है। वो तो मिल ही जाएगा। हाँ, मिल ही जाएगा। सीओ साहब और एसडीओ साहब नापी जोखी कर रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार को मिला है अभी उसको अच्छा मिला नहीं है। तो ये 25 तारीख से पहले पूरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये पूरा जो अभी खाली खाली देख रहा है ये सारा चीज बनकर तैयार हो जाएगा। बनकर तैयार हो जाएगा, बिफोर काम चल रहा है। चलिए, थैंक यू भैया। जैसा कि देख रहे हैं ये हिमाचल हौजरी सेल, ये सारा जो है आपका जो है सोनपुर मेला का ही ये पार्ट है। और ये देखिए ये बन रहा है अभी स्टॉल। ये सारा आप लोग मेला में ही लगाएंगे ना, सोनपुर मेला में? कब तक बन के तैयार हो जाएगा ये? दो तीन दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग सेल भी स्टार्ट कर दीजिएगा दो तीन दिन में, या मेला से ही स्टार्ट होगा? वो पूर्णिमा से ही चालू है। पूर्णिमा से ही चालू हो जाएगा ना आप लोग सारा सेटअप, मतलब उससे पहले कम्प्लीट हो जाएगा? मतलब 25 तारीख से पहले कम्प्लीट हो जाएगा सारा चीज़, है ना। तो आप लोग कहाँ से आए हैं इसके? हम लोग सर अभी हाजीपुर से ही है। ये जो हिमाचल वो दिखा रहा है, हिमाचल से? अच्छा, हिमाचल से भी लोग आते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल लगता है सभी का। तो आप लोग जो मतलब क्या मतलब गर्म कपड़ा वगैरह ये सारा लगाते हैं? क्या रेंज से आप लोग स्टार्ट कर दें गर्म कपड़ा यहाँ पे? 500 से स्टार्ट है। और मैक्सिमम कहाँ तक? 500 से 2500 3000। 500 से स्टार्ट होता है, 2500 3000 रुपये के रेंज में आपके पास अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप जो है, अगर आप सोनपुर मेला आ रहे हैं, कलेक्शन रहता है सारे कंपनी का, लगभग ऑलमोस्ट ब्रांड आपके आप लोग रखते हैं। तो ये मतलब ओरिजिनल रहता है या नहीं? सर ओरिजिनल ही ब्रांड ही रहेगा, ओरिजिनल सारा ब्रांड आप लोग रखते हैं। तो गाइस 500 से 2500 3000 रुपए तक का ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी ये पूरा बना नहीं है, लेकिन 25 तारीख से पहले ये बनकर पूरा रेडी हो जाएगा। ये सारा जो है सोनपुर मेला का ही पार्ट है। हाँ जी, हाँ जी। चाचा, ये मेला के लिए सफाई हो रहा है? मेले के लिए है ना? कब तक ये सफाई का काम कंप्लीट हो जाएगा चाचा? अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मेले के लिए सफाई हो रहा है ना ये? अच्छा, ओ तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये सफाई का काम चल रहा है। और 25 तारीख से चूंकि मेला स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले ये बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो बन के कंप्लीट हो जाएगा तो एक आएंगे आपको उसका ई अपडेट देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग जो है अभी लगे हुए हैं सफाई के लिए। कि जो आप रोड देख रहे हैं ये जस्ट मेला ग्राउंड का ही ये भी पार्ट है। तो मेला स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें बन करके तैयार हो जाएगी, ताकि पब्लिक को किसी भी तरह की परेशानी ना हो आने में रास्ता में। ये देखिए काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से चल रहा है ये काम सब। तो गाइस इस वक्त जो है मैं आपको लेकर आया हूँ ये फिश टनल जहाँ पे बन रहा है। और ये अंकल हैं बैठे हुए। अंकल बताइए क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंभु राय हुआ। क्या नाम? शंभु राय। ओके, और कहाँ आप? बेसिकली सोनपुर से ही हैं? हाँ, सोनपुर से हैं। तो ये यहाँ पे क्या क्या इस बार व्यवस्था की जा रही है? यहाँ इस मेले में, सोनपुर मेले में इस बार कभी नहीं लगा था मछली वाला अथी, अंडर वाटर फिश टनल। हाँ, उसके बाद वैष्णो माता का भी बगल में लग रहा है 80 फीट ऊंचा। अच्छा, कुछ पंडाल टाइप का बन रहा है क्या? 80 फीट ऊंचा वैष्णो माता, चार धाम यात्रा का अच्छा दर्शन होगा यहाँ पर। अच्छा, भैरवनाथ, वैष्णो माता, भैरवनाथ, अर्ध कुमारी, अच्छा अमरनाथ, चार धाम का यात्रा, चरण पादुका, उसके बाद एक से एक झूला। अच्छा, इस मेला में कभी नहीं आया था बंगलोर का पार्टी, केरला का पार्टी, इस मेले में झूला लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, तो इस बार मतलब जितना अभी पहले लग चुका है उससे बहुत ही खास होने वाला है? बहुत बार मतलब सोनपुर मेला में झूला कभी नहीं लगा था, मछली का जो प्लांट अति है कभी नहीं लगा था। वैष्णो माता को पहला बार मतलब चार धाम का यात्रा लग रहा है। ये ग्राउंड में बहुत अच्छा से अभी मेला को सजाया जा रहा है। अच्छा, तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 25 नवंबर से। 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा ये सारा चीज बन करके कम्प्लीट हो जाएगा? 25 नवंबर के पहले बन के तैयार हो जाएगा। 24 तारीख के एकदम सारा फिक्स रहेगा, 25 नवंबर के उद्घाटन है 25 से, मतलब छठ पूजा जैसे ही खत्म होगा। हाँ, उसके बाद इधर मेला स्टार्ट है। हाँ, हाँ,
तो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेले के विषय में बहुत ही अहम जानकारी दिया है। और ये कौन चैनल से है ये? हम लोग वेद वेदु ब्लॉग से हैं, यूट्यूब पे हम लोग ये डालते हैं, मतलब बिहार ही एक्सप्लोर करते हैं, बिहार के विषय में, तो उसी के विषय में हम से ठीक। तो थैंक यू, चैनल का धन्यवाद है और आप डालिए और मेला को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल।